आतिशबाजी तुमने शुरू की। दोस्तों, शानदार एक्शन से बेहतरीन स्टार कास्ट और सलमान खान के स्वैग से भरी हुई फिल्म टाइगर 3 अपने 9 दिन कंप्लीट करने के बाद आज 10वें दिन एंट्री ले चुकी है। यह फिल्म आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर रही है? टाइगर 3 इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई है फ्लॉप? ये सब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। साथ ही साथ दुनिया भर से कितना कलेक्शन कर रही है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे अगर आप भी सलमान खान के फैन और टाइगर 3 देख चुके हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मनीष शर्मा के डायरेक्शन में बनी टाइगर 3, जिसके लीड में हमें सलमान खान, कैटरीना कैफ, इमरान हाशमी दिखाई दिए थे। वहीं एक्सटेंडेड कैमियो के तौर पर शाहरुख खान, ऋतिक रोशन देखने को मिले थे। इस फिल्म का बजट तकरीबन 300 करोड़ का है। ऑल ओवर इंडिया में इसे लगभग 5,500 स्क्रीन पर तमिल, तेलुगु, हिंदी लैंग्वेज में रिलीज किया गया था दिवाली के खास मौके पर। बात करें बॉक्स ऑफिस की, तो फिल्म ने अपने पहले ही दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहां 44 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा की ओपनिंग लेकर दिवाली के दिन का एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। अभी तक किसी भी फिल्म ने दिवाली के खास मौके पर 20 करोड़ से ज़्यादा नहीं कमाए थे, लेकिन टाइगर 3 ने 44 करोड़ रुपये कमाए अपने दिवाली के खास मौके पर। वहीं दोस्तों, अपने पहले ही दिन ओवरसीज मार्केट से भी 44 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की। इसी के साथ इस फिल्म का पहले दिन का दुनिया भर से कलेक्शन 94 करोड़ का रहा, जो कि सलमान खान की कैरियर की सबसे बड़ी ओपनिंग रही। ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को मिक्स पॉजिटिव रिव्यू मिले, वहीं क्रिटिक्स की भी तरफ से इस फिल्म को मिक्स पॉजिटिव रिव्यू मिले। यही वजह रही कि फिल्म के दूसरे और तीसरे दिन के कलेक्शन काफ़ी बेहतरीन रहे, लेकिन उसके बाद इंडिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल मैच की वजह से इस फिल्म के कलेक्शन में काफ़ी ड्रॉप देखी गई। अपने पहले ही हफ्ते में यह फिल्म ऑल ओवर इंडिया से 187 करोड़ का कलेक्शन किया। वहीं दूसरे वीकेंड की बात की जाए तो अपने छठे दिन 13 करोड़ 25 लाख का कलेक्शन किया, सातवें दिन 18 करोड़ 25 लाख का कलेक्शन किया, आठवें दिन फाइनल मैच वाले दिन 10 करोड़ 50 लाख कलेक्शन के साथ ही 230 करोड़ रुपए तो कमा ही चुकी थी। लेकिन कल वीकडेज की शुरुआत में एक ड्रॉप देखने को मिला। इस फिल्म ने कल 6 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया, वहीं आज ये फिल्म 6 करोड़ का ही कलेक्शन कर रही है। उम्मीद है ये फिल्म वीकडेज में एक स्ट्रांग होल्ड करेगी। आज के कलेक्शन के साथ इंडियन बॉक्स ऑफिस पर यह 242 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी होगी, वहीं 380 करोड़ का कलेक्शन दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी होगी। अभी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज ट्रेंड कर रही है, लेकिन इसे इंडिया में हिट होने के लिए कम से कम 300 करोड़ का कलेक्शन करना होगा। और अगले हफ्ते इस फिल्म के सामने एनिमल जैसी बड़ी फिल्में आ रही हैं। अब फिल्म के पास लगभग 9 दिन बचे हैं। इस फिल्म को हिट होने के लिए कम से कम 60 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन अभी तो करना ही होगा। बाकी यह देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 अपने 9 दिनों में 60 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन करके इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिट हो पाती है या नहीं। बाकी आपने यह फिल्म देखी है तो आपको यह फिल्म कैसी लगी कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और बॉलीवुड साउथ से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।